माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग इकोसिस्टम पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था कि इकोसिस्टम आखिर क्या होता है। इकोसिस्टम अर्थात द नैरो जोन वेयर लैंड वाटर एंड एयर इंटरेक्ट विथ ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ इज कॉल्ड इकोसिस्टम। यानी वह नैरो जोन, नैरो क्षेत्र जहाँ पे लैंड वाटर और एयर एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं और लाइफ को सपोर्ट करते हैं, तो इस नैरो जोन को हम लोग इकोसिस्टम कहते हैं। जैसा कि जानते हैं हम लोग कि जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, ये अपने सराउंडिंग में एक दूसरे पर इंटरडिपेंड हैं। प्लांट एनिमल पर डिपेंड है और एनिमल ह्यूमंस प्लांट पर भी डिपेंड है। इस प्रकार बोथ यानी प्लांट और एनिमल्स आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, यानी प्लांट और एनिमल दोनों एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच यही जो रिलेशन है, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म और उनके सराउंडिंग के बीच जो रिलेशन है, यही मिलकर इकोसिस्टम का निर्माण करते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 3 डोमेन्स ऑफ एनवायरनमेंट है, वह है लैंड, वाटर और एयर, और ये तीनों लिविंग ऑर्गेनिज्म का केंद्र है। मीन्स बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरस जो कि एयर में भी सर्वाइव करते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि वाटर में सर्वाइव करते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि लैंड पर सर्वाइव करते हैं। तो यही कारण है कि ये तीनों एक दूसरे से इंटरैक्ट हैं, जुड़े हुए हैं। अब हम ह्यूमन इन्वायरमेंट के बारे में देखते हैं कि ह्यूमन इन्वायरमेंट आखिर क्या होता है। ह्यूमन इन्वायरमेंट करें, ह्यूमन बींग जो है अपने इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट है, वह अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स वह इन्वायरमेंट को मॉडिफाई करता है। पहले क्या था कि जो अर्ली ह्यूमंस होते थे, जिसे हम आदि मानव कहते हैं, वो नेचुरल सराउंडिंग पर ही वो अपने आप को डिपेंड करते थे, लेकिन आज के मानव लाइफ को कंफर्टेबल बनाने के लिए नेचुरल इन्वायरमेंट को अपनी ज़रूरत के अनुसार मॉडिफाई करता है, ताकि वह अपने नीड्स को फुलफिल कर सके, अपने रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके। इसके लिए वह अपने आसपास के नेचर को अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार वह उसे मॉडिफाई करता है। कराए जैसे जैसे समय बीतता गया, मानव का ज़रूरत जो है बढ़ने लगी और वह धीरे धीरे इन्वायरमेंट को चेंज करना, इन्वायरमेंट को उपयोग करना नए नए तरीके से सीखने लगा। यानी वो फसल उगाने लगा, एनिमल को डोमेस्टिक करने लगा, और जो वह नोमेडिक लाइफ सर्वाइव करते थे, जो कि अब वे सेटल्ड लाइफ जीने लगे, यानी अस्थाई रूप से गांव शहर के रूप में वो बस कर रहने लगे। लोगों ने जैसे जैसे लोगों में सेंस का विकास हुआ, लोगों को बुद्धि का विकास हुआ, इंटेलिजेंस हुई, वो भील का आविष्कार किए, अपने कंजप्शन के अलावे सरप्लस ग्रेन उगाने लगे। धीरे धीरे
कॉमर्स ट्रेड डेवलप हुआ, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुए, इससे क्या हुआ कि लार्ज स्केल में इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बनाया जाने लगा। धीरे धीरे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में भी इम्प्रूवमेंट आई। पहले के तुलना में आज ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम काफ़ी फास्ट हो चुका है। आज हम कुछ घंटा में दूर से दूर कई किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में आज हम आसानी से पहुंच सकते हैं, जो कि पहले ऐसा नहीं होता था। तो इस प्रकार से मानव अपने ज़रूरत के अनुसार इन्वायरमेंट को मॉडिफाई करता गया, उसको चेंज करता गया। इस प्रकार से आज मानव ने इन्वायरमेंट में एक रिवॉल्यूशन ला दिया। आज मानव आईटी के सेक्टर में भी काफ़ी आगे निकल चुका है। आज दुनिया के किसी भी कोने में आज कम्युनिकेशन काफ़ी ईजली और काफ़ी स्पीडली कहीं भी पहुंचाया जा सकता है, लाया जा सकता है, कराए। परंतु माय डियर स्टूडेंट्स, हमें यह भी जानना ज़रूरी है कि जिस तरह से हम इन्वायरमेंट को इंडिस्क्रिमिनेटली यूज कर रहे हैं, इसका निगेटिव इम्पैक्ट भी हमारे लाइफ पर पड़ता है। इसलिए आवश्यक है कि हम इन्वायरमेंट के साथ, नेचुरल इन्वायरमेंट के साथ एक परफेक्ट बैलेंस बनाए रखें, संतुलन बनाए रखें, जिससे कि हम इन्वायरमेंट का हारमोनियस वे में यूज कर सकें। हारमोनियस वे में हम इन्वायरमेंट के साथ रह सकें, क्योंकि अत्यधिक इन्वायरमेंट को अगर हम डैमेज करेंगे तो उसका निगेटिव इम्पैक्ट हमारे लाइफ पर ही पड़ सकता है, हमारे जीवन पर पड़ सकता है। इसलिए हमें अपने इन्वायरमेंट को बचाना आवश्यक है। इन्वायरमेंट को बचाने के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले है कि हम नेचुरल जो भी रिसोर्स है उसका मिनिमम से मिनिमम यूज करें, कम से कम पोल्यूशन फैलाएं। इसके अलावे वनों की जो कटाई होती है, यानी डिफॉरेस्टेशन को हम लोग कंट्रोल करें और प्लांटेशन पर बल दें, अर्थात अधिक से अधिक हम लोग वृक्ष लगाएं। ये सब कुछ ऐसे मेजर्स बताए गए हैं जिसे कि अपना करके हम लोग नेचर को अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स, अकॉर्डिंग टू आवर ज़रूरत, यानी हम अपने ज़रूरत के अनुसार इन्वायरमेंट को बचा सकते हैं, जिससे कि हमारा इन्वायरमेंट भी सुरक्षित रहेगा और हमारे नेक्स्ट जनरेशन को वो सारे रिसोर्स भी मिलेंगे जो आज हम कंज्यूम कर रहे हैं। दैट्स ऑल, ये टॉपिक आपका आज समाप्त हो गया।